हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना मेरे वीडियो पे। कमेंट कर देना कैसी लगी ये वीडियो और ट्राई करो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तरीके की नेल आर्ट की। सो ये हिना थीम नेल आर्ट थी। हमारा जो नेल आर्ट के ग्रुप हैं उसमें थीम्स आते हैं और कोलैबोरेशन होते हैं। सो यहाँ मैंने एक येलो बेस अपने नेल पे लगा लिया है। ये NYB का नेल पेंट है। मैं साइड में डिटेल मेंशन कर दूँगी सो आप देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो मेहंदी में ये जो लाइक डिज़ाइन होता है, ये जो अभी मैं बना रही हूँ, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखा है। लाइक किसी भी हाथ पे मोस्टली एक हाथ पे ये डिज़ाइन होता ही है जब भी हम मेहंदी लगवा रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। तो काफ़ी प्रोमिनेंट डिज़ाइन है तो और मुझे पसंद भी है मेहंदी में ये डिज़ाइन काफ़ी। सो ये बना के इस ब्लू नेल आर्ट पेन से उसके बाद मैं इसमें लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, स्ट्रेट लाइंस। सो नेल आर्ट पेन काफ़ी ईजी रहते हैं टू वर्क विद और इसमें से छोटे से नॉजल से ईजीली नेल पेन निकल आता है और सूखता भी नहीं है। जैसे अगर हम ब्रश से वर्क करें तो हम निकाल के रखें तो वो सूख जाता है। सो यहाँ जस्ट मुझे जो लाइन लाइक ड्रॉ करनी थी वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप हो गया था नेल पेंट, तो उसको मैंने इस ब्रश से कर दिया। ब्रश में सिर्फ यही मुझे दिक्कत लगती है कि जब हम नेल पेंट निकाल के रखते हैं हम ब्रश में लगाने के लिए, नॉर्मल नेल पेंट्स के केस में वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। सो सेम ही डिज़ाइन में यहाँ नेल पेंट के थ्रू अपने ब्रश पे लेते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो अपने दूसरे नेल पे। तो वही सिमिलर डिज़ाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हो बेसिकली जो नेल पेंट मुझे ब्रश पे लेना है उसे मुझे बार बार डिप करना पड़ता है ब्रश में, वाइज वो ड्राई हो जाता है या ब्रश पे ही रह जाता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। सो यही थोड़ी सी चीज़ है, बट समटाइम कुछ नेल आर्ट में ब्रश से करना ज़्यादा ईजी रहता है। सो यहाँ मैं पिंक नेल आर्ट पेन लेते हुए इसके अंदर फिल इन कर रही हूँ। पहले मेरे दिमाग में डिज़ाइन कुछ और था इसलिए मैं पूरा फिल इन नहीं कर रही थी, बट देन आई चेंज माई माइंड एंड मैंने पूरा पिंक से इसको अंदर फिल कर दिया है इस तरीके से। एंड इसमें जो हमने बॉक्सेस बने थे हमारे, जैसे हमने मेहंदी डिज़ाइन में देखा भी होगा, उसको मैं पिंक से फिल इन कर रही हूँ। सो डायगोनल जो बॉक्सेस होते हैं उनको हम फिल करते हैं, सो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंड मैंने कुछ आगे डॉट्स भी दे दिए हैं फ्लावर बनाने के लिए। सो अब ये जो हमने रिंग फिंगर में लिया है इसमें एक और डिज़ाइन जो है डॉट लगा के ना ऊपर से हम एक कर्व्ड लाइन देते हैं, वो डिज़ाइन मैं यहाँ पे दे रही हूँ इस फिंगर में। ये नीचे जो आप देख रहे हैं मैंने मेटालिक सा स्टड लगाया है, ये मैंने बाद में रिमूव करके उसमें येलो लाइन दे दिया था बिकॉज वो अच्छा नहीं, मतलब येलो पेंट से उसको ढक दिया था क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं अपनी इंडेक्स फिंगर पर ये इस तरीके से डॉट लगा के उसके अराउंड एक सर्कल दे के एंड ये बेल जिसे कह सकते हैं बेसिकली, हम जो आजकल हमारे बैक ऑफ द हैंड पे काफ़ी इजी डिज़ाइन देखा होगा आपने, मैं यहाँ पे वो डिज़ाइन जो रेफरेंस है वो भी फोटो दे दूँगी। एंड देन ब्लू नेल आर्ट पेन से मैंने इसकी बाउंड्री दे दी है। सो फिलिंग जो है वो पिंक से और जो बाउंड्री है वो ब्लू से हो गई है। एंड ये जो दो इसमें लाइक थ्रेड्स निकल रहे थे उसमें मैंने डॉट डॉट लगा दिया, सो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। सो अब मैं ग्रीन ग्लिटर नेल पेंट जो मेरे पास था उसको अपने जो लाइक पिंकी फिंगर एंड जो थंब है उस पर लगा रही हूँ। सो पूरा फिल नहीं कर रही हूँ, एक बेसिकली एक बोर्ड सा बना रही हूँ जिसके ऊपर मैं लिखूँगी। सो पूरा फिल नहीं कर रही हूँ मैं इसे, उसको थोड़ा सा सेकेंड कोट भी दे रही हूँ ताकि वो ग्रीन इफेक्ट आए नीचे से। दोनों पे मैं इस तरीके से साइड्स में थोड़ा थोड़ा येलो छोड़ रही हूँ टू गिव दैट इफेक्ट। एंड यही ब्लू नेल आर्ट पेन देते हुए इस पर अपने थंब पे जो है वो हिना लिखूँगी बिकॉज इट वॉज अ हिना आर्ट बेस्ड कोलैबोरेशन या नेल आर्ट कोलैबोरेशन इफ यू कैन से। सो इस पर मैंने हिना लिखा है एंड जो पिंकी फिंगर है उस पर मैं आर्ट लिखूँगी। सो अगर इन केस ये लिखते हो जैसे कभी कभी मेहंदी की कीप में ब्लॉक हो जाता है तो इसमें भी ब्लॉक हो जाता है, तो लाइक कोई टेंशन की बात नहीं है। जो आप जो भी आप बेस कलर इसका है वो लेते हुए जहाँ भी आपको लग रहा है कि वो कलर जो है इधर उधर चला गया, वहाँ पे इसका बेस कलर ब्रश में लेके वहाँ पे उसे लगा सकते हैं तो वापस वैसे इफेक्ट आ जाएगा और आप उसको दोबारा ड्रॉ कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से हिना आर्ट लिखा हुआ दिख रहा था एंड जो बाकी हिना आर्ट इस तरीके से है एंड जो बाकी फिंगर के डिज़ाइन है वो भी मैं आगे आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। सो एक ये डिज़ाइन है
एक ये डिज़ाइन है, मैं साइड में जो रेफरेंस है मैंने ये बनाया है वो भी आपको दिखा देती हूँ डिज़ाइंस। सो मुझे ज़रूर बताओ आपको कैसे लगे ये मेरे डिज़ाइन, और नीला दिखना चाहते हो आप मेरे चैनल पे, या मेकअप या हेयर्स क्या देखना चाहते हो, तो ये कुछ एंड रिजल्ट है। आप बाकी इस तरीके के जो लाइक नेल्स या मेकअप की फ़ोटोज़ है वो मेरे लाइक इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हो, मैंने लिंक यहाँ छोड़ दिया है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।